आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। मित्रों, सिंह के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मौ, मा, मी, मू, मे, मो, टौ, टा, टी, टू, ते, इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। आपके जो राशि स्वामी है वो सूर्य देवता हुए। आपका जो जीवन रत्न है वो माणिक्य हुआ। जैसे अगर आपका नाम मंजीत है तो आपकी राशि सिंह हुई। जैसे आपका नाम मीरा है तो आपकी राशि सिंह हुई। इसी प्रकार से लास्ट तक आप चले जाओ, जिस अक्षर पर में भी आपका नाम है इसमें से अगर, तो आपकी राशि सिंह होगी। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, अंगूठी, जेम्स, चाहे अपनी भाषा में आप जो भी कहते हो, धारण करना चाहते हो तो माणिक के नाम का रत्न धारण कर सकते हो। मित्रों, जो हमारे भाई बंधु इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है, वो लोग माणिक्य के बदले में, यानी कि जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपका जीवन मंत्र क्या है? ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, यानी कि ओम सूर्य देवाय नमः। आपका जो जीवन टिका हुआ है वो सूर्य पे टिका हुआ है। सिंह राशि वाले, आपके जीवन का जो बीज मंत्र है वो सूर्य ही है और आपका संपूर्ण जीवन सूर्य पर में ही टिका हुआ है। इसलिए आपको इस मंत्र का दैनिक जाप करना है। इसका शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप केवल और केवल रविवार के दिन से ही स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप केवल और केवल रुद्राक्ष के माला पर में ही कर सकते हो। इन दोनों शर्त को आप अपने जीवन में लागू कर लो, फिर देखो आपके जीवन से सभी समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा। मित्रों, इस रत्न को धारण करने से अथवा इस मंत्र के जाप से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस रत्न को आप धारण करते हो अथवा इस मंत्र को जाप करते हो और आप चाहते हो गवर्नमेंट फील्ड में जाना और आपको परेशानी आ रही है, तो इस रत्न के धारण करने के बाद अथवा इस मंत्र के जाप करने के बाद वो परेशानी नहीं आएगी और बड़ी सुगमता से अगर आपके भाग्य में है तो गवर्नमेंट फील्ड में आप इंटर कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पुलिस, सेना, इन सब क्षेत्र में है, डिसिप्लिन के क्षेत्र में है, तो उन लोगों को ये रत्न धारण करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस रत्न को धारण करने के बाद अथवा इस मंत्र के जाप करने के बाद आपके चेहरे पर में एक बहुत ही अद्भुत सा चमक आ जाएगा, एक तेज आ जाएगा सूर्य की तरह, जो देख करके लोग एक बार में आकर्षित हो जाएंगे। मित्रों, इस मंत्र के जाप का तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस रत्न के धारण करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे कि आपके सिर में दर्द होना, पारिवारिक समस्याओं का बढ़ना, अपयश मिलना, कलंक लगना, तो आप समझ लें कि ये रत्न मुझे सूट नहीं कर रहा है और तत्क्षण फौरन उस रत्न को उतार दें और मंत्र का जाप कंटिन्यू रखें।